गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही वह किसी को एक पैसा भी दान देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने से मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार ये सब चीजें 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस दिन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह सब देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछी जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया,
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा, घुसाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध लोटे से जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे भगवान और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा जहर में घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाए।
जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए। और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी में लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालात में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देख कर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन किया करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर प्रकार राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र का सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन
बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा कि वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन के साथ राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत हृदय से करते हैं तो ईश्वर भी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी, इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, बोलो बृहस्पति देव। दोस्तों, आशा है आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।